तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरपोल की 90वीं महासभा का उद्घाटन कर दिया है। इंटरपोल की महासभा दिल्ली की प्रगति मैदान में हो रहा है, वहां की तस्वीरें इस वक्त। और देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित भी करेंगे। इंटरपोल की 90वीं महासभा 21 अक्टूबर तक चलनी है। महासभा में इंटरपोल के 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन प्रतिनिधियों में सदस्य देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सभी शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, करीब 25 साल के अंतराल के बाद भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक होने जा रही है। आखिरी दफे 1997 में बैठक हुई थी और उसके बाद ये बैठक हुई ही नहीं। और 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर इंटरपोल की ये महासभा, 90वीं महासभा आयोजित की जा रही है। साथ साथ आपको गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान में दिखाई दे रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद उनका संबोधन भी होगा। 25 साल बाद ये हो रहा है कार्यक्रम। आखिरी बार 1997 और इस साल ही हुआ था, उसके बाद कभी हुआ नहीं। महासभा में पीएम मोदी का संबोधन सबसे ज्यादा मायने रखता है क्योंकि यहाँ पे 195 ऐसे देश हैं जिनके प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और उन सभी के लिए भी और भारत के लिए भी ये सुखद होगा सुनना कि पीएम आज इंटरपोल को संबोधित करते वक्त कहते क्या। देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपराधिक जो गतिविधियां हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए वियना में इंटरपोल की स्थापना की गई थी और 1997 में आखिरी बार था जब भारत में इस महासभा का आयोजन किया गया था। और इस महासभा में तमाम देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसमें मंत्री होते हैं, पुलिस प्रमुख होते हैं, केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल होते हैं। और इस महासभा में खासतौर पर इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि तमाम जो आतंकवादी हैं या अपराधी हैं एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, इनको लेकर बातचीत करती हैं सरकारें, मंत्री आपस में कि किस तरीके से अपराधियों को वापस देश में लेकर आया जाए, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अपराध हो रहा है उस पर लगाम कसी जाए। अमूमन आपने देखा है कि कोई भारत में अपराध करे और वो दूर देश चला जाए, वो दूसरे देश चला जाए, तो इंटरपोल के जरिए यानी ये 195 जो देश हैं वो आपस में कैसे संबंध रखते हैं, किस तरीके से किसी देश में अगर कोई अपराधी या तो दूसरे देश का हमारे पास या हमारा अपराधी वहां पकड़ा जाए तो कैसे ये संबंध काम आता है, वो इस पे बातचीत होनी है। बिल्कुल, लेकिन तस्वीरें सीधे तौर पर आपको प्रगति मैदान से हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशों के प्रतिनिधियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ और डेलीगेट्स के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। और ऐसे में क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधन के दौरान कहा जाता है, क्या कुछ स्ट्रेटजी रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय क्राइम को लेकर, इस पर भी नजर बनी रही है क्योंकि नारकोटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चाहे पाकिस्तान की बात कर लें या फिर अफगानिस्तान की बात कर लें या फिर इंडिया की बात कर लें, और भारत में भी जोर शोर से ये मुद्दा उठाया जाता रहा है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस तरीके से काम करेगा तमाम देशों का, इस पर भी इस महासभा में बातचीत हो सकती है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस